आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे मैं स्ट्रीटस्केपिंग की बात करूँ, चाहे वाटर बॉडी को रेनोवेट करने की बात करूँ, लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। खेल भावना को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा नए नए हमारे दिल्ली के अंदर स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्कूलों के अंदर भी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चाहे वो आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो, हर मामले में दिल्ली सरकार द्वारा हर क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्टेडियमों और ट्रैकों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं: तीरंदाजी, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, टेनिस, खो खो, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, शूटिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल और फुटबॉल। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि दिल्ली देहात में, क्योंकि दिल्ली देहात और बाहरी दिल्ली के इलाकों में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो ज़्यादातर लोग हैं वो खेलों से जुड़े हुए हैं, और चाहे वो आपके ओलंपिक गेम है, चाहे एशियन गेम है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम है, चाहे वो जूनियर लेवल है, चाहे वो सीनियर लेवल है, हर तरीके से जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो मेडल लेकर के आते हैं। और जो कोच है उनको बहुत ही मेहनत के साथ आग में तपा करके सोना बनाने की कोशिश करते हैं, उनको निखारने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है, जो खिलाड़ी है, वो देश का नाम रोशन करे, दिल्ली का नाम रोशन करे। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि हम थोड़ा सा गुरुओं की तरफ, कोचों की तरफ हमें सोचने की ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पहले कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो मेरा कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय कि कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड और भी कई प्रकार के अवार्ड गुरुओं को दिए जाते हैं, लेकिन आज जो गुरु है वो पूरा जीवन अपना खिलाड़ी को निखारने में लगा देता है, और दिल्ली के अंदर जो उसको पेंशन दी जा रही है वो 5,000 रुपये दी जा रही है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली देहात, क्योंकि भवाना विधानसभा दिल्ली देहात में एक तरीके से, और मेरे इलाके से काफ़ी खिलाड़ी निकल करके आते हैं, हर गाँव के अंदर खिलाड़ी हैं, कोई कुश्ती में है, कोई बॉक्सिंग में है, कोई किसी में है, तो उनकी डिमांड रहती है कि जो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए जीवन भर हमारे लिए लगे रहते हैं, और जो उनका जो अंतिम समय है, जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनकी जो पेंशन है वो उन्हें 5,000 रुपये दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आसपास के जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है या कोई और भी राज्य है, उन सभी के अंदर जो कोच हैं उनके लिए 20 से 25,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, और पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे जो अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी या जो हमारे ध्यानचंद अवार्डी, कुल 43 लोग हैं पूरी दिल्ली के अंदर जिनको पेंशन 20 से 25,000 रुपये मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे सदन के माध्यम से कि उन लोगों को, क्योंकि अब वो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए, तो अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि उनकी जो पेंशन है वो 20 से 25,000 रुपये करी जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके और अच्छी तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दे सके, जिससे भारत का नाम रोशन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।